अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और अभी की जो अपडेट थी, जैसे कि आपको पता है 4 जनवरी को सारे फैसले होने थे। अभी तक जो चीज़ के बारे में डिसीजन आया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बना के छत पे आया था तो वो आप लोगों को बता दूँ। वही नेट ही यूज़ कर रहा था, लाइक मोबाइल सोशल मीडिया इधर उधर से पे, जिससे कि कोई मुझे अपडेट मिल जाए। जो फिलहाल की अपडेट है उसके बारे में आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब ने जो कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जो डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग, जो उस डिसीजन के अकॉर्डिंग, मतलब उनके अकॉर्डिंग शफकत महमूद साहब के अकॉर्डिंग, ये है कि हमारे पास जितने भी तलीमी अदारे हैं उनको 11 जनवरी से पूरे पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन, जो भी सूरत हाल कोरोना कोविड-19 जो चल रहा है उसकी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम 11 जनवरी को सारे तलीमी अदारे खोल दें। हाँ, मरहलावार तलीमी अदारे खोलने की जो तजवीज़ है उस पर गौर किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि 25 जनवरी से ऑनवर्ड जो अदारे हैं वो खोलने की तजवीज़ जो पेश की गई है उसके बारे में गौर फिक्र किया जा रहा है कि लम्हा बल्हा बदले 9th-10th को, फिर उसके बाद 8th को, उसके बाद 6th और उसके बाद फिर 5 क्लास या उससे बिलो जो क्लासेज हैं उनको बुलाया जाएगा। और इसके अलावा जो बहुत से बच्चे इस बारे में हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि सर हो सकता है कि इस दफ़ा भी पेपर ना हो, तो शफकत महमूद साहब ने आज अपनी क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि 2021 में ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी हालात होंगे उनको हम फेस करेंगे, उनके साथ निपटेंगे बगैर इम्तिहानात के। आपके जो पेपर्स हैं वो मतलब बगैर इम्तिहानात के आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, प्रमोशन के लिए एनी हाउ अपने जो पेपर्स हैं वो देने पड़ेंगे। इससे पहले ये हुआ था कि 9th वालों को 10th में प्रमोट कर दिया गया था, 10th वालों को 1st ईयर को, 1st ईयर में 2nd ईयर को, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है, जैसे कि लास्ट डेज में KPK में भी ये बात की गई पंजाबी में, कि जो बच्चे हमारे मिडिल क्लास या उससे छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको असाइनमेंट या डेली जो होमवर्क मिलते हैं उसके बिहाफ पे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। सबको पता है कि कोविड-19 की सबसे बुरी बात ये कि ओल्ड एज लोगों को और जो बिल्कुल बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो इस बिहाफ पे ये बात कही जा रही थी कि शायद उन बच्चों को सबसे एंड पे बुलाया जा रहा है, 9th-10th के बच्चे या 1st-2nd ईयर के बच्चों को पहले बुलाया जा रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी। इसके बारे में मज़ीद जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं इंशाल्लाह मैं इसी तरह जहाँ पर भी हुआ, बाहर हुआ अगर ना हुआ तो आपको इसी तरह एक वीडियो बना के शेयर कर दिया करूँगा। और मज़ीद अपडेट के लिए अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, जीत रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। और MM नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।